हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में हम आज वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके भाग कौन से होते हैं और किस प्रकार उसकी हम रीडिंग जो है किसी भी जॉब का जो साइज है कैसे हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेजर करते हैं, और वर्नियर कैलिपर्स के टाइप्स कितने प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स का हम उपयोग करते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी ली थी कि माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, माइक्रोमीटर के कौन से भाग होते हैं, माइक्रोमीटर की जो किसी भी जो का साइज लिया जाता है वो माइक्रोमीटर के द्वारा कैसे उसकी रीडिंग को हम पढ़ते हैं, और माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज शुरू करते हैं अपना वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब का जो कम से कम माप है, लघु माप है, उसको हम लेते हैं, और किसी भी जॉब के हम बाहरी, आंतरिक और गहराई के तीन प्रकार के माप हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा ले सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में एक यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस होता है इनके लिस्ट काउंट का। तो लिस्ट काउंट आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए लिस्ट काउंट लगभग दोनों का एक सा ही हो गया है, क्योंकि जो हमारे डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैं उनका लिस्ट काउंट भी कम से कम जो माप है वो एक माइक्रोन मतलब 0.001 mm हो गया है। लेकिन जो ये डिफरेंस है किसी भी जॉब का साइज लेने का, माइक्रोमीटर केवल जिस प्रकार का वो माइक्रोमीटर होगा उसी प्रकार का वो किसी भी जॉब का साइज ले सकता है। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो किसी भी जॉब का वो बाहरी माप भी ले सकता है, इनसाइड माइक्रोमीटर है तो आंतरिक माप ले सकता है, डेप्थ माइक्रोमीटर है तो गहराई के माप ले सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर एक ऐसा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी जॉब का अकेले ही तीन प्रकार के माप ले सकता है, जैसे किसी जॉब का बाहरी माप, किसी जॉब का आंतरिक माप और किसी जॉब का गहराई के माप अकेले वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर है। तो यूज क्या है कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग हम इंजीनियरिंग और मशीनिंग कार्यों में किसी भी जॉब के विभिन्न माप लेने के लिए करते हैं, जो इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न माप कौन कौन से माप है बताएगा कोई गणित, कौन कौन से माप हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा ले सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। और इसकी गहराई माप ले सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो वर्नियर कैलिपर का उपयोग है हम किस लिए करते हैं? किसी भी जॉब के बाहरी, आंतरिक और गहराई के माप लेने के लिए, और कम से कम छोटे छोटा माप लेने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी यंत्र है, कोई भी टूल है, कोई भी मशीनरी है, उसका एक काम करने का सिद्धांत होता है और वो उसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसे हमारा माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है भाई मोहित? माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? नट बोल्ट, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे। या फिर हम क्या कह सकते हैं कमल, दूसरा कह सकते हैं बैठिए, दूसरा कौन बताएगा? दूसरा नाम बता दिया मैंने माइक्रोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल का, रैक एंड पिनियन, बैठी हुई। तो इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर का जो काम करने का सिद्धांत है वो क्या है, इसमें दो स्केल होती हैं। जैसे कि देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है, वर्नियर कैलिपर की दो स्केल्स हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के अंतर के बाद जो हमें अल्पमाप प्राप्त होता है उसके सिद्धांत पर हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो काम करता है। मतलब वर्नियर कैलिपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर।
देखिए जैसा कि आपको पता है कि कोई भी यंत्र, कोई भी मशीनरी, कोई भी टूल जब तक हमने उसके भागों के बारे में नहीं पता होगा तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसके भाग कौन सा भाग क्या काम करता है। इसलिए हमें प्रत्येक टूल, प्रत्येक यंत्र के भागों के नाम और उनके काम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसकी वर्किंग को अच्छे से समझ पाएंगे, उसका उपयोग अच्छी प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बर्निंग कैलिपर में सबसे पहले हम बात करेंगे जाज की। जाज का मतलब होता है जबड़ा। तो इसमें दो जाज हैं, एक्सटर्नल जाज, इंटरनल जाज। इनके नाम से मालूम हो रहा है, एक्सटर्नल जाज का मतलब वो जाज जो किसी जोग का भारी माप लेंगे, इंटरनल जाज जो किसी जोग का आंतरिक माप लेंगे। तो भारी जाज जो है, भारी जाज के बाद भी इनमें जाज, इंटरनल और एक्सटर्नल जाज के अंदर भी टाइप्स हैं। कौन-कौन से? दो जाज होंगे, फिक्स्ड जाज। इंटरनल जाज के अंदर और एक्सटर्नल जाज में जो एक एक जाज है वो फिक्स्ड होगा, और एक एक जाज क्या होगा, मूव करेगा कहां, मेन स्केल के ऊपर, और वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा हुआ वो मूव करेगा, स्लाइड करेगा। तो इसलिए उसको हम कहते हैं मूवेबल जाज। तो जो फिक्स जा है वो फिक्स रहेगा, जो मूवेबल जा है वो मूव करेगा। उसके बाद लॉकिंग स्क्रू, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, अपने जो हमने साइज लिया है उस साइज में किसी प्रकार का कोई एरर ना हो, उस साइज को लॉक करने के लिए, ताकि हमें सही साइज पता चले। कई बार जो कंडीशंस है ऐसी जगह हमें किसी जोर का साइज लेना पड़ जाता है जहाँ पर जो थोड़ी क्रिटिकल पोजिशन होती है, सिचुएशन होती है, हमारा जो हाथ है या हमारा बढ़ने का एरर है वो गिर सकता है वापिस लाते हुए, तो इसलिए हम उसको लॉक कर देते हैं, तो हमारे एरर की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद मेन स्केल है, मेन स्केल पर रीडिंग एमएम में की होती है। उसके बाद एमएम और इंचेस में। उसके बाद वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में रीडिंग जो है आपकी है 1 mm को 1000 माइक्रोन को डिवाइड किया होता है बराबर 10 भागों में, और फिर उन 10 भागों को बराबर 5 भागों में डिवाइड किया होता है। उसके बाद ये डेप्थ बीम दिखाई गई है, डेप्थ बीम इसके द्वारा हम किसी जोग की गहराई की माप लेते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग मेथड की, रीडिंग मेथड कैसे लिया जाएगा, जो पटने की विधि है वर्निंग कैलिपर। तो वर्निंग कैलिपर के बारे में जैसे आपको पता है कि वर्निंग कैलिपर किसी भी जोग का 3 प्रकार से माप ले सकता है, और वो माप कौन कौन से, भारी माप। तो हम भारी माप की बात करेंगे, भारी माप लेने के लिए हम जोग को कहां रखेंगे, एक्सटर्नल जाज के बीच में जैसे ये दिखाया गया है, और जब इंटरनल माप लेना है तो हम इंटरनल माप के लिए इन जाज के बीच में रखेंगे, और जब हमें गहराई का माप लेना है तो हमें गहराई माप के लिए ये डेप्थ बीम के साथ किसी भी जोग का गहराई माप हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो जोग की जो सिचुएशन है, जो हमें जोग रखनी है माप लेते समय, वो जोग के साइज पर डिपेंड करेगा किस प्रकार का हम साइज ले रहे हैं। तो जिस प्रकार का हमने जोग का साइज लेना है, चाहे वो भारी माप हो, चाहे वो आंतरिक माप हो, चाहे वो गहराई की माप हो, तो हमने उसी जाज का, उसी डेप्थ बीम का उपयोग करना है। तो बात करते हैं आप इसकी रीडिंग की। रीडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें दो स्केल्स होंगी, एक स्केल होगी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के ऊपर 1 mm को, 1 mm इज इक्वल टू कितना होता है 1000 माइक्रोन, इन 1000 माइक्रोन को डिवाइड किया है बराबर 10 भागों में, तो एक भाग से दूसरे भाग की दूरी कितनी आ गई 100 माइक्रोन, अब इन 100 माइक्रोन को बराबर भाग डिवाइड किया है 5 भागों में, तो एक भाग से दूसरे भाग की दूरी कितनी आ गई 20 माइक्रोन। तो इस प्रकार एक भाग से जीरो से लेकर अगले भाग के बीच की दूरी 20 माइक्रोन होती है। तो ये वर्नियर स्केल के ऊपर हमारी जो रीडिंग होगी वो माइक्रोन में होगी, मेन स्केल के अंदर जो हमारी रीडिंग है वो हमारी एमएम में है, वो रीडिंग हमारी एमएम में है। ये देखिए ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 का लगाया हमने 1, जो आपको ये ऊपर काउंटिंग दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 ये है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, तो इसलिए 0 से 1 सेंटीमीटर के भाग के बीच में जो है वो एमएम है, कितने 10 एमएम है। तो इस प्रकार से मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो एमएम के अंदर अंकित है। तो हमने रीडिंग ले लिया, मान लीजिए हमारी ये जोग हमने यहां पर रख दिया है, जोग का भारी भाग सीधा भारी माप लेना है, तो भारी माप लेने के लिए हमने जोग को जब यहां रखा तो हमारा भागने के लिए इतना खुला, इतना खुलने के बाद हमें इस मेन स्केल पर जितने एमएम को क्रॉस उतने किया है वो एमएम हमने नोट करने हैं। एमएम हमारे कितने हैं यहाँ पर देखिए,
10 20 20 के बाद 21 22 23 23 एमएम मेरे को दिखाई दे रही है, तो मैं एमएम को कहां लिखता हूं हमेशा पॉइंट से पहले, पॉइंट से लेफ्ट साइड में, तो मैंने एमएम को लिख दिया 23 एमएम। उसके बाद अब मैं बात करूंगा वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल के अंदर देखता हूं मैं मेरी ये 23.5 के ऊपर खड़ी है जीरो, जो वर्नियर स्केल की जीरो है ये जीरो मैंने चेक करनी है, ये जीरो कितने एमएम को क्रॉस कर दिया हुआ है, मैंने पॉइंट से पहले लिख देनी है। और उसके बाद 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 0 के बीच में कौन सी रेखा कहां मिल रही है, वो मैंने माइक्रोन, माइक्रोन की कैलकुलेटिंग, मैंने माइक्रोन की गणना मैंने यहां से ली है। मान लीजिए कि मेरी ये पांचवी लाइन इस लाइन के साथ मिल रही है, पांचवी लाइन आपके सामने मिल रही है, तो 5 का मतलब क्या हो गया यहां पे, 5 का मतलब क्या है, क्योंकि 0 से लेकर 10 का कितने हैं 1000 माइक्रोन है, तो 1 का मतलब क्या हो गया 0.1 माइक्रोन, 2 का मतलब 0.2 0.3 0.4 ऐसे चलेगा, ठीक है, तो 5 का मतलब क्या होगा 0.5 मतलब 500 माइक्रोन, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 0.5 लगा दूंगा और ये मेरा साइज आ जाएगा इस जॉब का, जितना भी ये मेरा बनने का मतलब है। ऐसे ही जब मेरे को अंतिम माप लेना है तो मैं इंटरनल जांच का यूज करूंगा, जब मेरे को गहराई का माप लेना है इस जॉब का तो मैं डेप्थ बीम का यूज करूंगा। ये क्लियर हो गया भाई? तो इस प्रकार से हमने वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी भी जॉब की रीडिंग को पढ़ने की कोशिश करनी है, समझना है और खुद प्रैक्टिकल करते दौरान प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि किसी प्रकार का हमारी रीडिंग में कोई एरर ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर टाइप ऑफ बीम वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहले तो हमारा सिंपल स्टैंडर्ड वर्नियर होता है, जिसका लिस्ट काउंट, देखिए टाइप चेंज होते ही लिस्ट काउंट भी चेंज हो जाएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसलिए आपने इस चीज को विशेष ध्यान में रखना है कि नाम क्या है, नाम के अकॉर्डिंग उसका लिस्ट काउंट आएगा, नाम के अकॉर्डिंग उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, नाम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पार्ट्स बनेंगे, भाग कटे होंगे। जैसे हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर है, तो हमने ये स्टैंडर्ड वर्नियर बनाया हुआ उधर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, तो देखिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है आपको, तो जो बताया है वो उसके बारे में बताया है, रीडिंग सबकी एक होगी। देखिए इसके अंदर हमें डायल वर्नियर है, जो डायल वर्नियर के अंदर हमारे पास एक डायल आ जाएगा, पॉइंटर और डायल, जो पॉइंटर है वो डायल के ऊपर चलेगा, तो उसका लिस्ट काउंट जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कितना 0.01 एमएम मतलब 10 माइक्रोन, स्टैंडर्ड का 20 माइक्रोन है लिस्ट काउंट और डायल का 10 माइक्रोन। ऐसे ही डिजिटल, डिजिटल के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आजकल ज्यादा यूज में लाई जा रही है, तो डिजिटल के अंदर भी उसका लिस्ट काउंट जो है वो 10 माइक्रोन से घटकर 1 माइक्रोन रह जाएगा, तो जो हमें गणना करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ पढ़ना होता है डिजिट को, जो हमारे पास जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है 0.203 क्या है एमएम या 203 माइक्रोन। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के वर्नियर कैलिपर हैं। इसके अलावा और भी वर्नियर है, मीट्रिक और ब्रिटिश का आपको पता ही है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर जो होता है वो उसकी जो लिस्ट काउंट है या जो रीडिंग ली जाती है वो एमएम में ली जाती है, ब्रिटिश की इंचेस में ली जाती है। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, स्टैंडर्ड का 0.02 एमएम और ब्रिटिश का 0.001 इंच, ब्रिटिश का इंच के अंदर आएगा लिस्ट काउंट। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक है वर्नियर कैलिपर का वो यही समाप्त होता है। किसी को कहीं से इस टॉपिक में कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो वो अपनी क्वेश्चन कर सकता है।